नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइन से। महिला सबक महत्वपूर्ण पावन जितिया शुरू, पहल दिन नहा खा के मनाओल गेल। आज अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस, सम्मान सहित विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल जा रहा। मुख्यमंत्री राउत से जनकपुर अंचल अस्पतालक आकस्मिक अनुगमन, दो दिन भीतर कर्मचारी के दरबंदी सहित संपूर्ण विवरण आना निर्देशन। प्रदेश सरकार के सफल बने बाग षड्यंत्र भ रहा, मुख्यमंत्री राउत के आरोप, केंद्र सरकार सहयोग नहीं के उपराग। आचार्य बालकृष्ण नेपाल में, प्रदेश नंबर दो के सहयोग करवाक प्रतिबद्धता। नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हिंदू मिथिलाली नारी लोकन प्रमुखता संग जितिया पावन मना रहा संबंधी प्रसंग से। मिथिला क्षेत्रक पवित्र पावन जितिया शुरू भेल। जितिया के पहल दिन आई के दिन के नहा खा कहल जात। व्रत बैस से पहिने उचका दिन महिला लोकन घिवरा के पत्ता में भगवान जितवाहन आ दिवंगत पितृ के प्रसाद चढ़ा के दही चूड़ा आ अमूट खाए के प्रचलन रहा। काल भोरे से 36 घंटा के उपवास शुरू हो। व्रत बैस से एक दिन पहिने व्रतालु लोकन विभिन्न जलाशय में स्नान क घिवरा के पत्ता में खड़ी शक्खर आ तोरी के तेल चढ़ाओल जात। देवता के चढ़ौने तेल में से अपन अपन संतान के सेहो लगब के परंपरा है। व्रत के पहल दिन पूजा बाद मरुआक रोटी आ माछ खेबाक परंपरा है। जाय के माछ मरुआ समेत कहल जात। विधि अनुसार भोरे कौआ बाज से पहिने ही व्रती महिला लोकन उठगन सम्पन्न कर पड़ित, अर्थात किछ खाय वाला चीज ठोर में लगाब पड़ित। विशेष कर महिला उठगन में दही चूड़ा खात। संतान के दीर्घ जीवन, पुत्र प्राप्ति तथा पारिवारिक सुख शांति के लिए मनाओल जात। जितिया पावन के धार्मिक, सांस्कृतिक तथा तांत्रिक महत्व से हो। पौराणिक कथन अनुसार राजा शालिवाहनक राज्य में एकटा महिला 7 बेटा के दैत्य उठा के लग गए। वही पश्चात राजा 7 बेटा के दैत्य से फिरता अन्य छल। अ कारण महिला वही दिन से शालिवाहन के जिमूतवाहन नामांकन के राजा के स्मरण में उपवास बैस लागल बताओल गेल। मिथिला क्षेत्रक पवित्र पावन जितिया के अवसर में राजपा नेपाल आबद्ध महिला संघ जनकपुर स्थित बाल आश्रम में शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम कने। सब पार्टी के अगुवा महिला नेत्री सभा के अगुवाई में कबीर बाल आश्रम पहुँच कर महिला नेता लोकन असहाय बाल बच्चा सबके चूड़ा दही खियाब के संगे अपना सेहो सब हुनका सब संगे चूड़ा दही खा कर जितिया के शुभकामना आदान प्रदान कने। प्रदेश सभा सदस्य सुरीता शाह बाल आश्रम के विषय में सदन में बात उठेबाक आ महिला संघक दिस से हर संभव सहयोग करबाक धारणा रखने छले। आज तक ये पारदर्शी रूप में नहीं आयल छलिए हमरा सबके सामने। बेसी ई कबीर आश्रम के विषय में तो जाने छलिए हम सब, लेकिन अहि हिसाब से पालन पोषण बाबा करे छथिन, अहि परिस्थिति में ई चल रहल है। तो अहि परिस्थिति के ध्यान दैत अब हमरा सबके जे सहयोग होते से हम सब अहि में करबै। और एगो संस्थान भी है तो संस्थान के भी हिसाब से सहयोगी केना भ सके है, मंत्री मंत्रालय ओहि हिसाब से भी हम सब आगे प्रयास करबै। कार्यक्रम में राज्यपाल से भौतिक पूर्वाधार विकास राज्य मंत्री डॉक्टर डिम्पल झा, उपमहानगरपालिका के उप प्रमुख रीता मिश्र सहित महिला नेत्री सभक उपस्थित छल। एम्हर राजपा नेपाल आइए जनकपुर धाम स्थित वृद्धाश्रम में पहुँच कर वृद्धा सबके समेत दही चूड़ा खुआबित जितिया पावन मनौलक। सबके लिए एगो इहे बात कर सकै छी कि जे आज तक ई पारदर्शी रूप में नहीं आयल छलिए हमरा सबके सामने। बेसी ई कबीर आश्रम के विषय में तो जाने छलिए हम सब, लेकिन अहि हिसाब से पालन पोषण बाबा करै छथिन, अहि परिस्थिति में ई चल रहल है। तो अहि परिस्थिति के ध्यान दैत अब हमरा सबके जे सहयोग होते से हम सब अहि में करबै। और एगो संस्थान भी है तो संस्थान के भी हिसाब से सहयोगी केना भ सके है, मंत्री मंत्रालय ओहि हिसाब से भी हम सब आगे प्रयास करबै।
एम्हर राजपा नेपाल आइए जनकपुरधाम स्थित वृद्धाश्रम में पहुँचकर वृद्धाश्रम के दही चूड़ा खुआबैत जितिया पावनि मनौलक अछि। पार्टीक संसदीय दलक नेता समेत रहल भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल आ राज्य मंत्री डिम्पल झा के अगुवाई में वृद्धाश्रम पहुँचल राजपाक नेता एवं नेत्री लोकनि वृद्धाश्रम के दही चूड़ा खुआ कर शुभकामना आदान प्रदान कयने छलनि। ओहि क्रम में प्रदेश सभा सदस्य परमेश्वर शाह मंत्री सोनल के मुख्यमंत्री बनबाक आशीर्वाद प्रदान कर वृद्धाश्रम के वृद्धा लोकनि के आग्रह कयने छलथि। मंत्री सोनल अपने हाथ से वृद्धा सबके चीनी आ चूड़ा बटने छलथि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य सुरीता शाह उपमहानगरपालिका उपप्रमुख रीता मिश्र सहितक उपस्थिति छल। ए सब के मंत्री जी के आशीर्वाद दियो जो सभा मंत्री बनल रहे कि मुख्यमंत्री माने हां अब चीफ मिनिस्टर बने फोरे फोरे आला हानि करे मतलब क्यों करनी ताकत ना हम फेंक दो। हेलो नया आयो दाती के दूध पढ़बो करबे की मन नहीं आयो जी जी आई तेसम अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस नेपाल में सेहो विभिन्न कार्यक्रम क मनाओल गेल अछि। अपन संस्कृति पहचान ज्येष्ठ नागरिक सम्मान नाराक संग जनकपुरधाम सहित विभिन्न स्थान में मनाओल गेल अछि। एहि अवसर में जनकपुर में आई सामाजिक विकास मंत्रालय ज्येष्ठ नागरिक सभक सम्मान तथा अंतक्रियात्मक कार्यक्रम के आयोजना कयने छल। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह प्रदेश नंबर 2 के 60 वर्ष से बेसी उमेर के ज्येष्ठ नागरिक के आँखि इलाजक लेल 2.5 करोड़ रुपया छुटियाने जानकारी करौने छलनि। ये वृद्ध दाजू बहन सबके हम एक जानकारी दे चाहे प्रदेश सरकार अपने सबके आँख के इलाज ले 2.5 करोड़ टका रख ले चाहे सिर्फ वृद्ध लोग के 60 वर्ष से जकर ज्यादा उम्र रहते तेरा आँख के इलाज ले 2.5 करोड़ रुपया रख ले चाहे तहिना जे चाहे कान के इलाज ले कारण वृद्ध लोग के आँख खराब हेबे करे चाहे हमरो कान खराब माने कोनो मोबाइल के कम स्पीड जब रहे चाहे तो हम मोबाइल बुझते नहीं चाहे कारण के हमरो उम्र तो 75 वर्ष। कार्यक्रम में धनुषाक प्रमुख जिलाधिकारी प्रेमलाल लामिछाने ज्येष्ठ नागरिक सभक लेल और कार्यक्रम सब आनल जेबाक धारणा रखने छले। प्रदेश सरकार तर्फ मेरो चाहिँ हार्दिक चाहिँ निवेदन छ पहिला हामीले चाहिँ यस्ता कार्यक्रमहरुमा जिल्ला स्तरबाट गर्ने गर्थ्यौं तर अहिले यो रिस्ट्रक्चरिङ भइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ यो जिम्मेवारी त्यसैले प्रदेशले चाहिँ 8 वटा जिल्लालाई पहिलो काम चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकको तथ्याङ्क अध्यावधि गर्ने काममा सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई जिम्मेवारी दिएर त्यो एउटा अपडेट गरौँ त्यसपछि हाम्रो तथ्याङ्क आइसकेपछि कम्तीमा नै हाम्रो प्रदेशभित्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि उचित नीति ऐन कानुन कार्यक्रम योजना बजेट चाहिँ एलोकेसन गर्नको लागि हाम्रो एउटा मार्गदर्शन प्राप्त हुनेछ। त्यसको लागि पनि जिल्लामा रहेको हाम्रो अनुभव हाम्रो संरचना लाई पनि यहाँले उपयोग गरिदिन पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिक लोकायन लोकगीत समेत गाउन छलेन।
विक्रम में उपस्थित 115 ज्येष्ठ नागरिक के दोसल्ला ओढ़ा के सम्मान कैल गया छल। संगे प्रदेशक 8 जिला से 5-5 गोटे ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान करवा घोषणा समेत कैल गया छल। जाहि में से धनुषा में से 5 गोटे के आइए सम्मान कैल गया छल और के संबंधित जिला समन्वय समिति के सहकार्य में सम्मान कैल जेबाक मंत्रालय जनौलक। कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के ज्येष्ठ नागरिक 106 वर्षक सोमन पंडित आ 88 वर्षक चंद्रकला ठाकुर सहित ज्येष्ठ नागरिक सभक संग सामाजिक विकास मंत्री निर्मल किशोर शाह, राज्य मंत्री अभिराम शर्मा, प्रमुख जिलाधिकारी प्रेम लाल पिछाने लगायत सबके सहभागिता छलन। समाज निर्माण में ज्येष्ठ नागरिक के योगदानक कदर करते हरेक वर्ष अक्टूबर 1 तारीख में ई दिवस मनबित आबि रहल अछि। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2050 धरि 60 वर्षक उमेर के व्यक्ति के संख्या 2 अरब बढ़वाक अनुमान कैलक अछि। तेना 80 वर्ष अथवा ओहिसँ ऊपर उमेर के व्यक्ति के संख्या 40 करोड़ पहुँचबाक अनुमान केने अछि। नेपाल में 26 लाख के हाराहारी में ज्येष्ठ नागरिक सब रहल छथि। सिरहा के मिर्चिया नगरपालिका में सुविधा सम्पन्न वृद्धाश्रम बनने लागल अछि। असहाय गरीब दलित अपांग ज्येष्ठ नागरिक के सहयोग पहुँचेबाक उद्देश्य से वृद्धाश्रम निर्माण करबाक योजना रहल। मिर्चिया नगरपालिका के मेयर श्रवण कुमार यादव जानकारी देलनि अछि। अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस के अवसर में मिर्चिया में भेल कार्यक्रम में मेयर यादव वृद्धावस्था के सहारा के लेल नगरपालिका भीतर आश्रम के व्यवस्था आवश्यकता देखल गेल कहित जल्दिए निर्माण करबाक उद्घोष कैलन अछि। ओ अगिलका दिन में ज्येष्ठ नागरिक के लेल और योजना सब अनबाक समेत आश्वासन देने छलन। दिवस के अवसर में मिर्चिया नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड से 5 गोटे के दर से 60 वृद्ध वृद्धा के साड़ी, धोती, गमछा आ हॉर्लिक्स सहित सम्मान कैल गेल छल। कार्यक्रम में मेयर यादव के संगे उपमेयर जीवची शाह, वार्ड अध्यक्ष सब, मिर्चिया ज्येष्ठ नागरिक अध्यक्ष राधाकृष्ण शाह, सचिव राजेंद्र शाह, डीएसपी दीपेंद्र शाह, सशस्त्र के डीएसपी गहेंद्र बहादुर भंडारी लगायत के उपस्थिति छलन। वहीं से पहले अपन संस्कृति के पहचान ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान नारा सहित थाना चौक से निकलल प्रभात फेरी नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा कर नगरपालिका कार्यालय पहुँचकर सम्पन्न भेल छल। सप्तरी के राज विराज नगरपालिका में 85 वर्ष ऊपर के 32 ज्येष्ठ नागरिक सबके सम्मान कैल गेल अछि। 28 अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस तथा 25 विश्व अल्जाइमर्स दिवस के अवसर में आई राजविराज नगरपालिका के आयोजन तथा ज्येष्ठ नागरिक जिला संघ आ पूर्व कर्मचारी सेवा परिषदक समन्वय में नगर क्षेत्र के 32 गोटे ज्येष्ठ नागरिक के दोसल्ला, फूलमाला आ टीका लगा के सम्मान कैल गेल अछि। 16 वार्ड रहल नगरपालिका के प्रत्येक वार्ड से दीर्घ जीवन बिताब रहल 2-2 गोटे ज्येष्ठ नागरिक के सम्मान कैल गेल छल। सम्मानित होबय वाला में राजविराज नगरपालिका 13 के 111 वर्ष वर्षक सीता देवी यादव, वार्ड नंबर 4 के 97 वर्षक गुणानंद चौधरी, वार्ड नंबर 14 के 96 वर्षक छोटकैन मंडल, वार्ड नंबर 4 के 96 वर्षक सुजानवती मंडल, वार्ड नंबर 15 के 95 वर्षक कौशल्या देवी सहितक 32 गोटे रहल छलन। हुनका सबके दीर्घायु के कामना सहित नगरपालिका के मेयर शंभु यादव, उपमेयर साधना झा, सीडीओ सुरेंद्र पौडेल, प्रहरी उपरीक्षक राजेंद्र बिष्ट, पूर्व कर्मचारी सेवा परिषदक अध्यक्ष प्रयाग यादव आ ज्येष्ठ नागरिक संघक जिला सचिव वैद्यनाथ झा लगायत दोसल्ला आ फूलमाला से सम्मान केने छलन। ज्येष्ठ नागरिक सब आई 28 अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस मनौलक अछि। ओ सब राज्य अपना सबक सम्मान आ हित के लेल ठोस योजना नहि अनने उपराग व्यक्त करैत आबि रहल अछि। एहि सन्दर्भ में हुनका सबसे पूछने छलहुँ ज्येष्ठ नागरिक के हित के लेल राज्य के की करबाक चाही। अहाँक बात जहिनाक तहिना ओहि धारा में जो व्यवस्था है ताहि अनुसार कोन हिसाब से ओकर व्यवस्थापन ठीक से भ सकै छै, कार्यक्रम ठीक से संचालन भ सकै छै, ज्येष्ठ नागरिक के सुख सुविधा, ओकर स्वास्थ्य व्यवस्थापन, सामाजिक जे कनी संस्कार हमरा अहाँ के संस्कृति है ओके अनुसार से जे है से पहचान कऽ कऽ सम्मान करनाइ, आदर सत्कार करनाइ अपना से ज्येष्ठ लोग के, तकरा बाद में जाके घर घर में परिवार में जे है से अखन जे एक सामाजिक जे विकृति के रूप में विभिन्न किस्म के वातावरण आबि रहल है, जै के चलते जे है ज्येष्ठ नागरिक के जे सम्मान होय के चाही से परिवार से नहीं मिल रहा है। इनमें मुख्य रूप से सरकार के सेहो दायित्व छै, गार्जियन के सेहो दायित्व छै, शिक्षा के सेहो दायित्व, शिक्षा में नैतिक शिक्षा के समावेश होनाइ बहुत जरूरी है। तकर बाद जे आशा रखै छथिन वृद्ध वृद्धा ओ अपन अभिभावक सबसँ बहुत बढ़िआँसँ रहै,
दोसर बात एहन की छै कि सबसे बड़का अवगुण छै जे समाजमे अभी जे कुकृति आबऽ मे दारू पानी शराब के छै कुलत मिलै छै लोक ड्रग सब लऽ रहल छै एहि सब पर सरकार के बेसी ध्यान दे के सम्मान कार्यक्रम जे राखल गेल छै ई बड़ा उत्तम छै एकरा सरकार के शुरुआती कार्यक्रम के हम सब निक बुझलिए आ एहि कार्यक्रम के निरंतरता देबऽ के लेल ज्येष्ठ नागरिक जिला संघ प्रतिबद्ध छै हुनका सबके साथ सहकार्य कऽ कऽ और सरकार वाला सब कार्यालय के सबके समावेश कऽ कऽ प्रत्येक गाँव पालिका नगर पालिका मे एकर जे ज्येष्ठ नागरिक के प्रति सम्मान हुआ चाही ओकर बजट हुआ चाही ओकरा संचालन कऽ कऽ ज्येष्ठ नागरिक के कल्याणार्थ जे जेहन काज करऽ पड़तै से हमसब करऽ के लेल तैयार छी। ई कार्य के शुरुआती ई सरकार केलक ताहिके लेल सरकार के बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। प्रदेश सरकार ज्येष्ठ नागरिक अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस जे कार्यक्रम रखलथिन हँ ई बहुत सफल भेलै आ प्रथम बेर छलैया। हम आशा रखै छी जे दोसर वर्ष एहू सब भव्यता के साथ मतलब ई सम्पन्न होतै और हमरा सबके जे संस्था छै जेना सेवानिवृत्त कर्मचारी परिषद ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समाज ज्येष्ठ नागरिक जिला संघ प्रदेश नंबर 2 के ज्येष्ठ नागरिक संघ ई सब मतलब यदि एहिना अति सहयोग करैत रहबै तऽ कार्यक्रम मतलब बहुत उत्साहपूर्ण ढंग से सम्पन्न भेलै और भविष्य में सेहो बहुत उत्साहपूर्ण ढंग से सम्पन्न हेतै। उस समय के परिवर्तन छै अभी बात के नया युवा पीढ़ी में धन के प्रति एहन आकर्षण आबि गेलै जे गलत तरीका से केना धनी बनि जाए ओहि कारण से एकटा बाप माय के उपेक्षा के दृश्य देखै छै। हमरा सबके धर्म संस्कृति कहैया जे मातृ देवो भव पितृ देवो भव माता के सम्मान करी पिता के सम्मान करी और हुनका में जे प्रसन्नता होते हुनका से जे आशीर्वाद मिलल छै हमरा सब के जीवन में वो एक आशीर्वाद के रूप में प्राप्त होए तो वैसे हमरो सब के जीवन सफल होए। अइ के वास्ते से ज्येष्ठ नागरिक के लेल सम्मान मिले छै के लेल नैतिक शिक्षा के प्रचार प्रसार होबे चाही। आब प्रदेश सरकार बनि गेलै है प्रदेश सरकार के ही अपन जिम्मेवारी लेनाइ जरूरी छै आ प्रमुख जिला अधिकारी के सेहो एहिठाम उपस्थिति छलै तऽ हुनका से हम ई अनुरोध करबनि कि अभी गाँव में जे अवैध किस्म के मादक पदार्थ जे युवा पीढ़ी सेवन कऽ कऽ अपना माय बाप के जे सम्मान नहि करै छथिन हुनका साथ गलत व्यवहार करै छथिन ड्रग्स के प्रयोग छै शिक्षा में ई विकृति के रूप में देखल जाइ छै एहिमे आवश्यक सुधार करनाइ बहुत जरूरी छै। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत जनकपुर अंचल अस्पताल में अचानक पहुँचकर कर्मचारी के दरबंदी आ सेवा अवधि के विवरण माँ कलने ओ दू दिन भीतर सब जानकारी सहित प्रदेश सरकार समक्ष उपस्थित होब अस्पताल प्रशासन के निर्देशन समेत देने बीमार के एकदमे संख्या रहल जनकपुर अंचल अस्पताल में आकस्मिक अनुगमन के लिए प्रदेश के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह सहित पहुँचल मुख्यमंत्री राउत आ अस्पतालक मेसू के नियुक्ति राजनीतिक पावर के आधार में नहीं भक आब सेवा अवधि अनुभव आ समर्पण के आधार में कैल जेबाक धारणा रखने नबन्ने त्यसैले हरेक कर्मचारीको एपोइन्टमेन्ट मिति पनि लेखिन्छ जे यो कर्मचारी इभेन मेडिकल लाइनको पनि कर्मचारी नन मेडिकल लाइनको नियुक्ति भएको कहिले हो र कहिलेदेखि कार्यरत त्यो नियुक्ति मितिदेखि तपाईँ सबै चाहिँ तपाईँ लेखेर तपाईँ पुर्याउनुहोस् र जो भए पनि मलाई आज र भोलिसम्म यो प्रदेश सरकार समक्ष पुगिहाल्नुपर्छ किनभने तपाईँसँग सबै डकुमेन्ट्सहरू छन् हामी निड कति छ हामी विकास समितिबाट कति छ आवश्यकता कति हो मलाई आज पनि छ जो पुरानो कर्मचारी डक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको थाहै गर्नुपर्छ आवश्यकता मानिहाल्नुहोस् 5 छ हामी 2 छौँ 3 कहाँबाट आपूर्ति गर्ने भन्ने यो हाम्रो कन्सर्नको विषय। मुख्यमंत्री राउत अस्पताल प्रदेश सरकार के माथत में आब चुकल कहित आब ई अस्पताल प्रदेश सरकार के इज्जत प्रतिष्ठा तथा गौरव संग जुटल अस्पताल भेला से
एहि अस्पताल के सेवा प्रभावकारी बनाब कोनो कसर बाकी नहीं राख निर्देशन दैत लापरवाही करय वाला के कार्यवाही कर बाक चेतावनी देलन। प्रदेश सरकार भित्र आई सके हॉस्पिटल प्रदेश सरकार को गौरव को इसको प्रतिष्ठा संग जोड़ी हॉस्पिटल हिजो का दिन में के केन्द्र आए आएन अब भन्दाखि अब हामी पनि फुर्किदैन तपाईको सेवा राम्रो हुन सकेन भने अब तपाई मात्र गाली खाने होइन संघीय सरकार मात्र अब मन्त्री मात्र गाली खाने होइन गाली खाने अब नजिकैका क्याबिनेट पनि गाली खाने के अरे यहाँका सरकार पनि गाली खाने त्यसैले अब यो ठाउँलाई कसरी हामी राम्रो बनाउन सक्छौँ कसरी यसलाई एउटा हाम्रो साधन स्रोतलाई कसरी यसलाई प्रयोग गरेर र सबैको सेवामा पहुँच पुग्ने गरी कसरी वातावरण बनाउन सक्छौँ यो सामाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर शाह अस्पतालक मेसो राम परीक्षण यादव प्रति लक्षित करैत एखन धरि एको बेर समेत प्रदेश सरकार संग भेटघाट कर नहीं आयल आरोप लगौने छलन। मेसो यादव जातीय घमंड प्रदर्शन करबाक उद्देश्य से प्रदेश सरकार के नहीं मान रहल से हो हुनक आरोप छलन। कर्मचारी संग कुरा गर्नु हुन्छ 15 लाख रुपैयाँ एकचोटि ल्याउनु हो जसको पनि रिटर्न छैन फेरि तपाईँको यो तलबको लागि पनि तलबहरू निकासाको लागि जानुभयो तर मन्त्रीसँग या मुख्यमन्त्रीसँग भेट्ने अब जनकपुरको मेसु त्यो स्वास्थ्य मन्त्रीसँग नभेट्ने कति यो दुर्भाग्यजनक कुरा अब के छ के छ जातीय अहङ्कार हो के हो प्राय लाग्छ। मेसो यादव केन्द्रीय मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीके बेरबेर भेटघाट करबाक आ प्रदेश सरकारके चिन्ह समेत छोड्ने कहैत मन्त्री शाह प्रश्न केने छलनि। ओहि क्रममे मुख्यमन्त्री आ मन्त्री कर्मचारीक हाजिरी रजिस्टर सेहो चेक जाँच केने छलथि। अनुपस्थित रहल कर्मचारी आ डाक्टर सबके हाजिरी काटल गेल छल। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत प्रदेश सरकार के असफल आ भ्रष्टाचारी देखा कर संघीयता समाप्त करवाक षड्यंत्र भ रहल बतौलने साबिक के जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिवीजन आ सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय के एकीकृत नेपाल सरकार प्रदेश मार्फत रहबाक लक्ष्य ल गठन कने जल स्रोत तथा सिंचाई विकास डिवीजन कार्यालय जनकपुर धाम के समुद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत संघीय सरकार कर्मचारी सेहो समय में नहीं देवाक विधेयक जल्दी में आनल गेल कहैत टिक्का टिप्पणी करबाक गतिविधि क काज कर नहीं दे रहल ओ आरोप लगौने छलन। हम कैसे काम कर सकते हैं? काम करने वाला संयंत्र क्या है? अगर हमारे पास काम करने वाला संयंत्र नहीं है तो हम कैसे काम करेंगे? इसलिए मेरा मानना है कि आज के दिन में भी वो लोग ये नहीं चाहता है कि हम समय पर कर्मचारी दें। विभिन्न बहाना है, विभिन्न अड़कलबाजी है। अगर राष्ट्र सेवक है और इस मुल्क का कर्मचारी है तो प्रदेश नंबर 2 इसी मुल्क का एक अभिन्न अंग है। यहाँ भी वो कर्मचारी आना चाहिए। वहाँ दहशत फैलाया जाता है, उल्टा सीधा बात किया जाता है कि यहाँ के लोग असहयोगी है। मैं आज भी मंच पर बैठे कर्मचारी लोगों से मैंने क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मेरा एक सवाल है कि आप इनसे पूछिए क्या इनका कोई दिक्कत है। हर मुख्यमंत्री राउत प्रदेश नंबर 2 असफल भेला पर देश कहियो सफल होबय नहि सकबाक चेतावनी देलन। प्रदेश सरकार असफल भेलो पर आप देश सफल भ जेबाक दिवा स्वप्न नहीं देख ओ केंद्रीय सरकार के चेतावनी देने छलन। ओ सारे को सहयोगी बनना हो। अगर ये कोई सोचता है कि प्रदेश सरकार अगर असफल हुआ तो ये मुल्क सफल होगा तो उसका ये दीवा सपना है। ये प्रदेश असफल होगा तो मुल्क भी असफल होगा। यहाँ के लोग गरीब रहेंगे तो मुल्क गरीब धनी नहीं बन सकता है। इसलिए अगर समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाली का जो नारा है, ये 55 लाख जनसंख्या को चाहे वो शिक्षा के स्वास्थ्य हो या गरीबी हो, चाहे जिस
किसी सूचक में पीछे रह के ये मुलुक अगाड़ी नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इस मुलुक को समृद्ध नेपाल और सुखी नेपाली बनाना है तो प्रदेश नंबर दो का जनता भी नेपाली है, इनका भी नैसर्गिक अधिकार है विकास और समृद्धि प्राप्ति करने का। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश माथत के कार्यालय सभक द्रुत गति में पृथक वर्ष काज कर निर्देशन दिलन। कार्यक्रम में भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल संघ्यता समाप्त करवाक षड्यंत्र विरुद्ध कोनो लड़ाई लड़ तैयार रहल धारणा रखने चले। ये क्यों? क्योंकि आज हमारे पास कर्मचारी नहीं है, अभी भी कर्मचारी का लिस्ट हमको उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो केंद्र सरकार अगर किसी भी महाने में किसी भी बहाने में अगर संघीयता को वो चाहता है कि हम पंगु बना देंगे, संघीयता को हम समाप्त कर देंगे षड्यंत्र करके, तो प्रदेश नंबर दो की जनता जिस तरह से संघीयता के लिए लड़ी है इसको स्थापित करने के लिए भी हम अगुवाई करेंगे, नेतृत्व करेंगे, इसको समाप्त नहीं होने देंगे। हम इसके लिए आग्रह करते हैं आपसे भी, कर्मचारी साथियों से भी, समाज के सभी अंग में काम करने वाले सभी जन समुदाय से भी, पत्रकार से, नागरिक समाज से, हमारे गैर सरकारी संस्था के लोगों से, विद्यालय के लोगों से, प्रबुद्ध नागरिक वर्ग से, राजनीतिक दल से, कि हम लोग का ये निधि जो है, संपत्ति जो है, संघीयता जो हमारे युवाओं के बदौलत, हमारे पूर्वजों के नारा के बदौलत जो हमने प्राप्त किया है, इसको सफलीभूत करेंगे। एक संघीयता सफल होगा, एक संघीयता सफल होगा, हमारा एक सही समस्या अपने आप समाधान होगा। मंत्री सोनल प्रदेशक विकास के लिए प्रदेश सरकार केकरो संग समझौता नहीं करवाक से बतौलन। आवश्यक पड़ला पर करार में कर्मचारी राखि के काज करवाक से हुनका सबके चेतावनी छलन। राज्य मंत्री डिम्पल झा से संघीय सरकार सहयोग नहीं कला से काज कर समस्या भ रहल धारणा रखने छलन। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य लोकन स्थानीय तह के प्रमुख उप प्रमुख सहित सबके सहभागिता छलन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम, विश्रामक बाद आचार्य बालकृष्ण नेपाल में प्रदेश नंबर दू के सहयोग करबाक प्रतिबद्धता। चीनी लगायत दसैक लेल बहुत आवश्यक वस्तु सब में कैल गेल अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि तत्काल नियंत्रण करे सरकार के लेखाक निर्देशन। आ कर संबंधी अराजकता फैलौनिहारों पर कार्यवाही करबाक कार्यवाहक प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरियाल के चेतावनी। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में अपने बाकी समाचार। सिराक मिर्चिया में ट्रक आ कार ठोकरेला से 3 गोटे घायल भेल अछि, घायल में से 1 गोटे के अवस्था गंभीर रहल अछि। मिर्चिया नगर पालिका वार्ड नंबर 1 में आई पूर्व से पश्चिम दिश आबि रहल ना 6 ख 3350 नंबर के ट्रक आ पश्चिम से विपरीत दिशा से जा रहल BR30R5171 नंबर के भारतीय कार ठोकरा गेल छल। दुर्घटना में झापा के भद्रपुर नगर पालिका वार्ड नंबर 1 के ट्रक चालक अंदाजी 30 वर्षक राजू श्रेष्ठ, परसा बीरगंज उप महानगर पालिका वार्ड नंबर 16 के कार के चालक अंदाजी 30 वर्षक लावस चौरसिया आ कार में सवार वही स्थान के अंदाजी 25 वर्षक पुनीत कुमार महतो घायल भेल अछि। घायल मध्य कार के चालक चौरसिया के अवस्था गंभीर रहल मिर्चिया पुलिस जनौलक अछि। प्रदेश नंबर 2 के प्रमुख रत्नेश्वर लाल काइस्त धनसाक ढल के बर स्थित पोखरिया के मानव सेवाक भूमि के रूप में परिणत कयल जेबाक धारणा रखलेने अछि। मिथिला नगर पालिका से धनसाक ढलकेबर स्थित पोखरिया 7 में आयोजित आयुर्वेद गुरु बालकृष्ण आचार्य के अभिनंदन तथा सम्मान समारोह में ओ यह धारणा रखने छे। वही स्थान में जड़ी बूटी उत्पादन प्रस्तोधन केंद्र तथा मानव सेवाक लेल आयुर्वेद अस्पताल जेहन संरचना स्थापित करय चाहने आचार्य बालकृष्ण के कथन प्रति प्रशंसा करैत स्थानीय तथा प्रदेश सरकार के सहयोग कयल जेबाक सेहो ओ धारणा रखने छलनि। आपको लागू पाओ बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता यो मक्के संदर्भ में भन्न चाहन्छु भने मलाई आज लागि रहा छ कि गुरु पनि र गोविंद पनि एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ, एकै व्यक्तिमा समाहित हुनुहुन्छ। यस्तो भव्य महामानवको दर्शन पाउनको लागि हरेक व्यक्ति जसको सेवाग्राही हृदय होला, जसको मानवीय भावना होला। कार्यक्रम में आचार्य बालकृष्ण नेपाल भारत के संबंध दिल आ दिमाग जेका रहल धारणा रखने छलनि। ओ भौगोलिक रूप में प्रदेश नंबर 2
छोट भेलो पर जनसंख्या के हिसाब से बहुत बड़का रहला से अ प्रदेश के समृद्ध बनाब अपना कोनो कसर बाकी नहीं रखवा धारणा रखने से किलो लीटर में जाते हैं आप यदि एक लीटर दो लीटर तीन दे दे तो बहुत ही अद्भुत है और कोई चार दे दे तो कमाल ही है। तो मैं चाहता हूं मैंने पहले एक एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास किया था हालांकि ये मनेश क्षेत्र में तराई क्षेत्र में ये होने सकता कि हरियाणा वाला राजस्थान वाला टुकड़े गाय लाए रहा तो गाय लाई यहाँ पर ही नस्ल सुधार करेगा घरा घरा गाय पूरे होने यदि जो हो सके ना बनी बनी हमें आपको काम करना सकता हूँ जो यहाँ पाइनी जो गाय को नस्ल हो तो नस्ल लाई सुधार करेगा जो हमारे यहाँ को रीजनल ब्रीड हो जो लोकल वेराइटी जो गाय हो शुद्ध गाय जो गाय को नस्ल सुधार करेगा लगभग आप ये मान लो कि वो गाय 10-12 किलो दूध देने लायक हो सकती है। वो काम इस धरती से हो सकता है। नेपाल में किस जगह के व्यवस्था भेल तो वही जगह में जड़ी बूटी खेती करवाक इच्छुक सबके तालीम करा कर खेती कर प्रोत्साहन करवाक ओ धारणा रखने से आयुर्वेद आयोग के व्यवस्थित सेंटर संचालन करवाक आ रोगी सबक लेल अस्पताल समेत खोल सकवाक ओ धारणा रखने से कार्यक्रम में प्रदेश नंबर 2 के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र यादव अई वर्ष धनसाक ढलके भर में प्रदेश सरकार व्यू टावर के निर्माण क वही स्थान के पर्यटकीय स्थल के रूप में विकास करवाक योजना समेत सुनौने छलनि। बुटी उत्पादन हुने क्षेत्र तपाईलाई हामी हस्तान्तरण गर्न खोज्छौँ र यसमा चाहिँ मानव कल्याणको कामहरू अगाडि बढौँ र यो क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने यो ठाउँलाई हेर्ने हो भने यो पोखरीलाई हेर्ने हो भने त्रेता युगदेखि नै यो पोखरीको महत्त्व छ रामायण कालदेखि नै यो पोखरीको महत्त्व छ र यो प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनको लागि यो प्रदेशलाई विभेद मुक्त बनाउनको लागि प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेका छन् र यो क्षेत्रलाई यो ठाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा स्थापना गर्नको लागि प्रदेश सरकारले यसै पालि भ्यू टावर निर्माण गर्ने काम सुरु गर्नेछ। यसपालि नै हामी भ्यू टावर यहाँ निर्माण गरेर यो क्षेत्रलाई यो ठाउँलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा स्थापना गर्ने प्रयास प्रदेश सरकारले अगाडि बढाउँछ। कार्यक्रम पश्चात प्रदेश प्रमुख आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आचार्य बालकृष्ण अवस्थित औरी बाबा ताल के अवलोकन समेत कयने छलथि। ओहि समारोह में प्रथम महिला सविता कायस्थ मिथिला नगरपालिका प्रमुख हरि नारायण महतो उपमेयर राधा तारा बस्नेत लामा पतंजलि योगपीठ नेपालक ट्रस्टी शालिग्राम सिंह भारतक मुक्तानंद महाराज प्रदेश नंबर 2 के सांसद कौशल यादव एनआरएन के संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो सहित स्थानीयवासी प्रदेश नंबर 2 के विभिन्न योग गुरु साधक साधिका लोकन के समेत उपस्थिति छलनि। प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह नेपाल आ भारत में अज्ञानता के कारण जनसंख्या वृद्धि भ रहल धारणा रखलेने छ। आइ से शुरू भेल परिवार नियोजन राष्ट्रीय लागत कार्यान्वयन योजना विस्तार कार्यक्रम के जनकपुर में संबोधन करैत मंत्री शाह जनसंख्या नियंत्रण कर युवा युवती सबके जनचेतना जगेबाक कार्यक्रम सब आनल जेबाक धारणा रखने छलनि। त्यसको लागि आवश्यक हो यो मिटिङ त्यसको लागि एवेरनेस हामी कसरी बढाउने कसरी परिवार नियोजन सम्बन्धी जानकारी युवा युवतीलाई कसरी बढीभन्दा बढी दिने तपाईँ मान्नुहोस् परिवार नियोजनको जो साधनहरू छ थुप्रै ल्याइदिनुहुन्छ डोनरहरू दिएर एउटा हस्पिटलमा बन्द गराइदिनुहुन्छ तर अवेरनेस छैन चेतना छैन युज गर्ने तरिका पनि छैन अनि त्यो औषधि या त्यो जुन तपाईँको सामान छ त्यो बेकार जान्छ त्यसै कारणले प्रदेश सभा सदस्य सरस्वती चौधरी अशिक्षा आ अज्ञानता के कारण
परिवार नियोजन के साधन प्रयोग में संतोषजनक वृद्धि होब सकल धारणा रखने चले भाग्य कुरा हो यति मान्छे जागरूक हुनु यति राम्रो डाटा आउनु राम्रो कुरा हो तर म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ सबैजनालाई म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ समस्या छ परिवार नियोजनको साधन कसले युज गर्छ कसले युज गर्दैन अहिले पनि हाम्रो प्रदेशमा शिक्षाको कमी छ एवेरनेस छैन तिनीहरूले तालिम पाएको छैन गाउँको दिदीबहिनीहरूले केही उहाँहरूलाई केही जानकारी छैन किनभने शिक्षा नै छैन भनेपछि यो परिवार नियोजनको साधन युज गर्ने उहाँहरू अहिले पनि लाज मान्नुहुन्छ के जटिलताहरू आउँछ एउटा परिवार महिलाले परिवार नियोजनका साधन उचित समयमा प्रयोग गरेन भने के समस्या आउँछ र त्यसका बेनिफिटहरू पनि हामीले देखिसकेका छौँ र त्यसको अलिकति सानो लगानी हामीले सुरुमा गऱ्यौँ भने त्यसको ठुलो प्रतिफल पछि भविष्यमा आउँछ कसरी भन्यो भने अब उदाहरणको रूपमा हेर्दाखेरि आज पनि बिहान एउटा बच्चा आयो र अधिकांश हाम्रो हजुरहरूले सबैजनालाई थाहा छ कि हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 कुपोषित बच्चाहरूको सङ्ख्या जुन कुरा यहाँ छोलेको छ अरू सबै अब मन्त्रीज्यू र सभासद्वयहरूले भनिसक्नु भएको छ त्यसपछि भन्दाखेरि मलाई अप्ठ्यारो भएन तर कुपोषित बच्चाहरूको सङ्ख्या प्रदेश नम्बर 2 निकै बढी छ 45% जति छ कुपोषित बच्चाहरूमा चाहे ख्याउटेपन होस् चाहे बुड्केपन होस् त्यसको ठुलो विकराल समस्या छ प्रदेशक स्वास्थ्य सेवा विभागक प्रमुख डाक्टर प्रमोद यादव सहितक सरकार सभक कार्यक्रममे सहभागिता छलनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री सुरेन्द्र कुमार यादव गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराबा बजेटके अभाव रहल स्पष्ट कयने छ राज्य मन्त्री यादव स्वास्थ्य क्षेत्रमे जनशक्तिके सेहो अभाव रहल स्पष्ट कयने छ संघीय संसद शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमे मन्त्रालयके काम कारवाहीक विषयमे जानकारी करबैत हो गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाक लेल बजेट अभाव रहल धारणा रखने छलै राज्य मन्त्री यादव विभिन्न मन्त्रालय मार्फत सेहो अस्पताल रहलासँ अस्पताल सभक अनुगमनमे सेहो कठिनाइ भऽ रहल उपराग व्यक्त कयने छ क्वालिटी को प्रोडक्शन व्यवस्था है और जो मात्र हमें सोच में दिए आज जहाँ चाहे एस डीजी ले हम जो प्लान गये यहाँ कर्मचारी दिन सकते हमी हरियो फर्को मार्ग पड़े बीच को बाटो लाग बजेट चाहे जी तो मात्र हमें सोच में दिए होने वाला स्थिति चाहिए मात्र हमें सोच में तर हमी पूंजीगत बजेट चाहिँ मात्र 25% छ जसमा विकासको कुरा गरिन्छ अर्को चाहिँ समस्या सबै मन्त्रीजीले राख्नु पर्ने थियो जुन पनि हस्पिटलको डाटा मान्छु तपाईँसँग के छैन अनि हामी त क्रिएट गरिसकेछौँ 9 to 11 नर्सिङको पनि कुनै अस्पतालमा त यो हस्पिटल बाहेक केन्द्रको अस्पताल बाहेक कसैमा छैन न कर्मचारी छ र विसारमे समितिक सदस्य गगन थापा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराब जोड देव सरकारके सचेत गराउन छलनि उद्देश्यके आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति बनाब सेहो सरकारके ध्यान आकर्षण गराउन छलनि हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिमा हामी कस्तो खालको डिपार्चर गर्दैछौँ हाम्रो सन्दर्भ मात्रै होइन खास गरी हामीसँग काम गर्दै आएको उनीहरूको स्पेस 35% होला 30% घट्ला तर के मान्नुपर्छ भने नेपालमा उनीहरूको ठुलो योगदान पनि छ अहिले पनि एउटा हैसियत पनि छ र कतिपय ठाउँमा सही गलत ढङ्गले हामीले प्रभावित गर्न सक्ने समितिक दोसर सदस्य खगराज अधिकारी स्वास्थ्य सेवाके गुणस्तरीय बनाकर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमके प्रभावकारी बनाब सरकारके सुझाव देने छल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय कार्यक्षेत्र स्पष्ट नै भेलासँग शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय आ अपन मन्त्रालय बीच काज गर असहज होइत आयल उपराग व्यक्त कयने छलक सार्वजनिक लेखा समिति चिनी लगायतके दशैंके लेल बहुत आवश्यक वस्तु सभमे कयल गेल अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारके निर्देशन देलक अछि समितिक आय सिंह दरबारमे बैसल बैसार चिनी चाउर तेल लगायतके अति आवश्यक वस्तुमे अस्वाभाविक रूपसँ मूल्य वृद्धि कयल गेल कहैत तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारके निर्देशन देलक अछि दशैंके समय अति आवश्यक वस्तु सभक अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयके निर्देशन देने समितिक सभापति भरत कुमार शाह जानकारी देलनि अछि बैसार कालाबजारी होब नै देब अनुगमनके काजके प्रभावकारी बनाब सेहो सरकारके सचेत गराउने छलनि समितिसँ दशैंके बस टिकटमे कृत्रिम अभाव सिर्जना गर चाहवला सबके पहिचान कऽ कऽ कडा कारवाही गर सेहो भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयके सचेत कराओल गेल जानकारी गराओल गेल छ
समितिक सदस्य लोकन मूल्य वृद्धि करबाक मुद्दा ओहिपर चित्त बुझबला जवाब नहीं देने कहित सरकार के आलोचना केने छ। शहरी विकास मंत्री मोहम्मद इश्तियाक रायन कचरा गंदगी के व्यवस्थापन के काज में केन्द्रित होब स्थानीय तह के आग्रह कलने। शहरी क्षेत्र में कचरा गंदगी के समस्या बढ़त गल समय मंत्री रायन कचरा गंदगी के व्यवस्थापन के लिए केन्द्रीकृत होब स्थानीय सरकार के आग्रह कलने। विश्व बसोबास दिवस के अवसर पर काठमांडू में कार्यक्रम में वो कचरा गंदगी के व्यवस्थापन नहीं करा वाला बड़का बड़का भवन ऊपर अनुगमन क कार्रवाई के दायरा में आनल जेबाक समेत चेतावनी देने छलन। मंत्री राय शहर में कचरा गंदगी के उचित व्यवस्थापनक लेल सरकार आवश्यक कानून निर्माण काज में आगा बढ़ौने धारणा रखने छलन। पूर्व महानिदेशक जीहरू पूर्व उपमहानिदेशक फोर बाट मोर बनाएर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस को काम चाहिँ नगरपालिकाले पीपीपी मोडेलमा अथवा पब्लिक प्राइवेट पीपुल पार्टनरशिप यो अझ चारवटा पीहरू त्यो मोडलमा गर्न सक्यो भनेदेखि फोहोर मैलाको समस्यालाई हामी नेपालीले समाधान गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। किनभने हामीले देखिहाल्यौँ पर क्यापिटा इन्कमसँग यो डाइरेक्टली रिलेटेड छ। हाम्रो वेस्ट जेनेरेसन त्यति अलार्मिङ छैन तर यही किसिमले हामी अगाडि बढ्दै गयौँ। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र नाथ शर्मा फोहोर के मोहरमे रूपान्तरण गर्बाक उद्देश्य राख जनतामे चेतना जगाव स्थानीय तहके आग्रह कलने। वो स्थानीय जनता के सहभागिता में सार्वजनिक निजी आ सहकारिता के माध्यम से देश में कचरा गंदगी के उचित व्यवस्थापन कर सकबाक धारणा समेत रखने छलें। संसदीय समिति जनसरोकारक विषय के तत्काल संबोधन कर निजगर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के काज के द्रुत गति में अगड़ी बढ़ाकर काज कर सरकार के निर्देशन दिलक। संघीय संसद अंतर्गत के राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति के आई सिंह दरबार में बैसल विचार वन कटान करबाक लगायत के विवादित विषय के संबोधन कर निजगर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण के काज द्रुत गति में अगड़ी बढ़ाव सरकार के निर्देशन दिलक। जन सरकार के विषय के सेहो संबोधन कर निजगर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के काज के द्रुत गति में अगड़ी बढ़ाव सरकार के निर्देशन देने समिति के सभापति दिलकुमारी रावल जानकारी करौल। राष्ट्रीय सरोकार तथा समन्वय समिति से गौतम बुद्ध अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के काज एक वर्ष भीतर सम्पन्न कर सेहो सरकार के सचेत कराओल गेल छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सम्बन्धमा जनस्तरमा आएको चासो र सरकारका विषयहरूमा में संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी जनसरोकार के विषय के संबोधन कर निजगर अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल निर्माण काज अगाड़ी बढ़ेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कने छलन। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्राम। विश्रामक बाद कर संबंधी अराजकता फैलौनिहार ऊपर कार्यवाही करबाक कार्यवाहक प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल के चेतावनी। आ भरत महतो नेतृत्व पिछड़ा वर्ग महासंघ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़े। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। कार्यवाहक प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल कर संबंधी अराजकता फैलौनिहार ऊपर कार्यवाही करबाक चेतावनी देने। कार्यवाहक प्रधानमंत्री पोखरेल दोहरा कर लेलो पर हुई विरुद्ध प्रतिकार में उतर से निजी क्षेत्र के व्यवसायी सबके आह्वान कलने। ललितपुर उद्योग वाणिज्य संघ के 39वां वार्षिक साधारण सभा के संबोधन करते स्थानीय प्रदेश आ संघीय सरकार बीच कानून के ठेकान नहीं लगला से कर संबंधी अराजकता देखल गेल समस्या जल्दी समाधान करबाक आश्वासन दिलन। ओ सर्वसाधारण के समस्या में देवाक उद्देश्य से सरकार कर नहीं लेबाक सेहो स्पष्ट कलने। करको अराजकताको दण्डा बर्सने छैन हामी विरोधीहरू। यसमा यो तपाईँलाई कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेल कर सम्बन्धी सब समस्या समाधान गरेर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलन। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणा व्यवसायी सब कर सँग समस्या बढल कहित सरकारसँग उपराग व्यक्त कने छलथि। महासङ्घ करके दायरा बढाव मुदा दोहरा कर लेबाक परिपाटी हटाव दबाव दैत आबि रहल छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मंत्री चक्रपाणी खनाल दात्री निकाय से संचालित परियोजना का काम कार्यवाही प्रति असंतुष्टि व्यक्त कलने। मंत्री खनाल बहुत दात्री निकाय से संचालित परियोजना सकारात्मक योगदान देव नहीं सकल कहित असंतुष्टि व्यक्त कलने। ललितपुर में उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना से आयोजना कैल गल कार्यक्रम में जनता के जीवन स्तर उठेबाक उद्देश्य से ओहन उद्देश्य राखि ठोस योजना तय कर से कृषि संग संबंधित परियोजना सबके सचेत करौने छलन। जनता में सकारात्मक योगदान देव नहीं सकय वाला परियोजना नेपाल के आवश्यक नहीं रहल मंत्री खनाल के चेतावनी छे। पुग्द
दुर्दैव समस्या छ, यसलाई कसरी हल गर्ने? दात्रु निकायहरूले पनि यो ठाउँमा सोच्नुपर्ने, मन्त्री खनाल नेपालका कृषि क्षेत्रका विकासक लेल आवश्यक प्रविधि आनबाक दिशा सेहो विशेष जोड देवदात्री निकाय सबके सञ्चालित परियोजना सबके आग्रह कयने छ। पिछड़ा वर्ग महासंघ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी में विलय भेलै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के केन्द्रीय पार्टी कार्यालय धुम्बाराही में आई भेल कार्यक्रम में महासचिव विष्णु पौडेल, पिछड़ा वर्ग महासंघ के संस्थापक अध्यक्ष भरत प्रसाद महतो आ सचिव मनाई महतो के पार्टी प्रवेश करौने छलन। तहिना राष्ट्रीय जनता पार्टीक सर्लाही जिल्ला अध्यक्ष नागेश्वर शाह के सेहो महासचिव पौडेल पार्टी प्रवेश करौने छ। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभा गृहमै महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय आयोजना गर्ने दोस्रो राष्ट्रिय बच्चिया सम्मेलनमै बाल अधिकार कर्मी सब बाल बच्चा सम्बन्धी विधेयक 2075 फार्ने छ। विधेयक बाल श्रमके प्रोत्साहन दिने कहेतु सब विधेयक फार्लकै छ। बाल अधिकारक लेल राष्ट्रिय अभियानके संयोजक प्रवीण सिलवाल, अभियन्ता धीरज जोशी, राजा राम बस्नेत, आकृति खड्का लगायतके विधेयकमे भेल व्यवस्था पर विरोध जनाउने छल। बाल बच्चा के संबंधी विधेयक बाल श्रम के बाल बच्चा संबंधी कसूर में सेहो नै रखने बताओल गेल छ। कार्यवाहक प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल सहभागी सम्मेलन में ओ सब नारा समेत लगौने छले। महत्वपूर्ण प्रश्नलाई एक मिनेट दिनुस्। यो विधेयक चाहिदैन, यस्तो विधेयक चाहिदैन। पैनल डिस्कशन भ रहल समय राखल गेल प्रश्न में संयोजक सिलवाल निर्मला पंत के लेल न्याय के आवाज उठल समय एनजीओ आ आईएनजीओ कर्मी सब कत सुतल छल कह के प्रश्न केने छलथि। एनजीओ आ आईएनजीओ कर्मी सब मौन रहल आ डॉलर के खेती मात्र कर रहल हुनका सब के आरोप छलन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। महिला सबक महत्वपूर्ण पावनि जितिया शुरू, पहिल दिन नहा खा के मनाओल गेल। आय अंतर्राष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिवस सम्मान सहित विभिन्न कार्यक्रम का मनाओल गेल। मुख्यमंत्री राउत से जनकपुर अंचल अस्पताल के आकस्मिक अनुगमन, दू दिन भीतर कर्मचारी दरबंदी सहित विवरण आनब निर्देशन। प्रदेश सरकार के असफल बनेबाक षड्यंत्र भ रहल, मुख्यमंत्री राउत के आरोप, केंद्र सरकार सहयोग नहीं केने उपराग। आचार्य बालकृष्ण नेपाल में प्रदेश दू के सहयोग करबाक प्रतिबद्धता। अपन न्यूज एखन के लिए इतबा पल पल खबर, तेज नजर अपन टीवी देखते रहब। नमस्कार।